जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है इसको लेकर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये वैकेंसी आप सभी को पता है 2019 की है। और मैं आपकी एक जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि आरपीएफ में पिछले 4 साल से कोई भी जॉब नहीं निकली है। आरपीएफ रेलवे जो पुलिस फोर्स आप देखते हैं, जो रेलवे प्रोटेक्शन करती है, उसको बोलते हैं आरपीएफ कांस्टेबल। और इसकी आरपीएफ की एसआई की वैकेंसी हो गई थी लेकिन कांस्टेबल की नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आएगी और कांस्टेबल की भी आएगी। ये वैकेंसी कब की है? 2019 की। अब आपको सबको पता है कि ये कोरोना काल रहा है तो कोरोना के कारण ये वैकेंसी नहीं हो पाई, लेकिन अब लगभग लगभग सभी वैकेंसियां आप सभी को पता ओपन हो गई है। और आरपीएफ में लगभग 4 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है, लेकिन इन 4 साल में किसी को भी आरपीएफ ने रिटायरमेंट भी नहीं किया है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अब इनके रिटायरमेंट भी शुरू हो गए और इसकी वैकेंसी भी, लेकिन इसकी जो वैकेंसी की उम्मीद थी लगभग 18,000 पोस्ट की उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि उस समय जब 2019 में ये वैकेंसी आने वाली थी उस समय इसमें 11,000 पोस्ट खाली बताई जा रही थी, 11,000, ठीक है उस समय। तो उसके बाद में 3 साल निकल गए तो अब सब 18,000 पोस्ट की वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये 18,000 पोस्ट की वैकेंसी तो नहीं होने वाली है, लगभग ये 9,000 या 11,000 के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। और इसकी घोषणा आपको जून जुलाई तक मिलने के पूरे चांस है। अब आरपीएफ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 31 में जो एज का क्राइटेरिया वो 18 से 25 साल है, सबसे प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। पेपर का लेवल इसका ऐसा है जीडी जैसा ही है। हाइट का क्राइटेरिया 165 सेमी है, मतलब कि सारे क्राइटेरिया की वजह से जो बच्चा जिसकी हाइट कम है वो भी इसका इंतजार कर रहा है, जिसकी एज ज्यादा हो गई वो भी कर रहा है, जो आर्मी से ओवरएज हो गया वो भी कर रहा है, जो एसएससीडी से ओवरएज हो गया वो भी इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें एज में छूट मिलने के चांसेस बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जून या जुलाई में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लाडलू, लगभग 9,000 से लेकर 11,000 पोस्ट के बीच, 18,000 पोस्ट की वैकेंसी नहीं आएगी, साथ में आरपीएफ एसआई की वैकेंसी भी आएगी। तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी निरंतर रखिए और एक पॉजिटिव वाइब के साथ तैयारी करिए लाडलू। जय हिंद, जय भारत।